नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ धनु राशि का मासिक राशि फल अप्रैल सन 2022 को लेकर के। क्या विशेष ग्रह गोचर स्थिति रहेगी संपूर्ण अप्रैल के माह में धनु राशि के जातकों के लिए। संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति का हम विश्लेषण करेंगे, कब कब ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे उस पर भी हम एक दृष्टि डालेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में, आपके कारोबार व व्यवसाय क्षेत्र के बारे में क्या क्या उतार चढ़ाव इस अप्रैल के माह में आपको देखने को मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह अप्रैल का माह आपके लिए कैसा रहेगा। कौन कौन सी अप्रैल माह की शुभ तारीखें हैं, जिन तारीखों में धनु राशि के जातक सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक दृष्टि डालते हैं धनु राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण अप्रैल के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति आपकी रहने वाली है, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें यह राशि फल वर्तमान ग्रह गोचर स्थिति पर व चंद्र कुंडली के माध्यम से तैयार किया गया है, अर्थात इस राशि फल को आप लग्न कुंडली से न देखें। वही प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं धनु राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण अप्रैल के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति आपके लिए बन रही है, तो धनु राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है। आपके राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र के साथ शंख नामक योग बना रहे हैं। पराक्रम के भाव यानी तीसरे भाव में जन्म पत्रिका में कुंभ राशि के विराजमान है। मंगल और शनिदेव की स्थिति मकर राशि में बनी हुई है, जो कि द्वितीय भाव में धन भाव में आपके लिए स्थित है। सूर्यदेव और बुधदेव बुधादित्य योग का निर्माण कर चतुर्थ भाव में स्थित है, मीन राशि के विराजमान है। राहु वृषभ राशि में छठे भाव में स्थित है, रोग रिपु ऋण के स्थान पर, और केतु वृश्चिक राशि में वे भाव में स्थित है, जो कि जन्म पत्रिका में 12वां भाव होता है। एक स्थिति तो यह रही। अब इसी ग्रह गोचर व्यवस्था में अप्रैल के माह में कई बदलाव होने वाले हैं और सबसे पहला बदलाव होगा मंगल का। 7 अप्रैल सन 2022 मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा। मंगल देव मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में विराजमान होंगे। मकर राशि को छोड़ेंगे यानी धन भाव को छोड़कर के कुंभ राशि में पराक्रम के स्थान पर स्थित होंगे, जहां के मंगल कारक होते हैं। 8 अप्रैल सन 2022 बुधदेव का राशि परिवर्तन होगा और बुधदेव अपने नीच राशि को छोड़कर के मेष राशि में संचरण करेंगे, पंचम भाव में आपके लिए स्थित होंगे। 12 अप्रैल सन 2022 राहु और केतु का महापरिवर्तन होगा। लगभग 18 माह के पश्चात राहु वृषभ राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करेंगे और पंचम भाव में आकर के विराजमान होंगे। वहीं केतु भी वक्र स्थिति में ही संचरण करते हुए वृश्चिक राशि को छोड़कर के तुला राशि में प्रवेश करेंगे और आपके लिए आय भाव जन्म पत्रिका में 11वें भाव में स्थित हो जाएंगे। 13 अप्रैल सन 2022 देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि में मीन राशि में सुख भाव में आकर के स्थित होंगे। 14 अप्रैल को सूर्यदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और सूर्यदेव मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में स्थित होंगे, जो कि सूर्यदेव की उच्च राशि है। पंचम भाव में सूर्यदेव स्थित होंगे। बुध के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे, लेकिन वहीं राहु के साथ ग्रहण योग भी बनेगा। 24 अप्रैल बुधदेव का पुनः राशि परिवर्तन होगा। बुधदेव मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और बुधदेव आपके लिए छठे भाव में स्थित हो जाएंगे अपने मित्र की राशि में वृषभ राशि में। 27 अप्रैल को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। शुक्रदेव जो कि कुंभ राशि में स्थित थे और मीन राशि में आकर के उच्च के विराजमान होकर के देवगुरु बृहस्पति के साथ शंख नामक योग बनाएंगे। वहीं 29 अप्रैल को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा और शनिदेव मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में स्थित हो जाएंगे। तो यह तो संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति धनु राशि के जातकों के लिए बन रही है। इस अप्रैल के माह में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, कई शुभ योग आपके लिए बनने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके राशि स्वामी हैं, स्वराशिस्थ होकर के मीन राशि में संचरण करते हुए आपके लिए हंस नामक राजयोग बनाएंगे। वहीं शुक्र और गुरु का शंख नामक योग भी बनेगा
और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी आपको इस अप्रैल के माह में देखने को मिलेगा। तो आइए इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के दृष्टिगोचर से देखें तो धनु राशि के जातक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे संपूर्ण अप्रैल के माह में। मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं, तनाव की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी और क्रोध अत्यधिक हो सकता है, इसलिए क्रोध पर आपको संयम रखने की आवश्यकता इस अप्रैल के माह में पड़ सकती है। अपने क्रोध में संयमता लाएगा। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आपको निरंतर योगाभ्यास करने की आवश्यकता पड़ सकती है और कुछ समय निकाल करके ध्यान भी अवश्य करिएगा। पूजन पाठ और ध्यान विशेष रूप से आपको इस मानसिक तनाव से उबार सकता है, अत्यधिक मानसिक तनाव में न रहे। आइए अब एक नजर डालते हैं धनु राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र पर, कर्म स्थान पर, यानी दसवें भाव में। तो नौकरी पेशा में जो जातक हैं और यदि आप विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो बुध देव की सप्तम दृष्टि उच्च दृष्टि कर्म स्थान पर बनी हुई है, निश्चित ही आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। और सूर्यदेव भी कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा व लाभदायक समय यह है। इस अप्रैल के माह में ऐसे लोगों से आपका मिलना जुलना होगा जो कि उच्च पदों पर, उच्च पद प्रतिष्ठा जिनको प्राप्त होगी, तो निश्चित ही आपके लिए यह अच्छा समय रहेगा। नौकरी पेशा के जातकों को विशेष रूप से लाभदायक स्थिति बनेगी। 13 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति भी चतुर्थ स्थान पर स्थित होंगे, स्वराशि के होंगे, हंस नामक योग बनाएंगे, तो यह भी सप्तम दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे। तो ऐसे लोग जो विद्या से संबंधित कार्य करते हैं, अध्यापक हैं, वह अध्ययन से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इस अप्रैल के माह में मंगल देव राशि प्रवर्तन कर प्रथम सप्ताह के बाद राशि प्रवर्तन कर कुंभ राशि में आएंगे, पराक्रम के भाव में आएंगे, तो निश्चित ही आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। और ऐसी स्थिति में यदि विवेक से कार्य किया जाए, आत्मविश्वास प्रबल हो और विवेक से काम किया जाए, तो चाहे नौकरी हो या व्यवसाय, कोई भी आपको हरा नहीं सकता, आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जो जातक व्यवसाय वर्ग से जुड़े हुए हैं और विशेषकर मार्केटिंग के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक स्थिति है। स्वर्ण चांदी के आभूषणों का कार्य करते हैं, रत्नकार हैं, रत्नों के कार्य करते हैं, तो भी आपके लिए स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है, तो निश्चित ही कारोबार भी अच्छी स्थिति में रहेगा और व्यवसाय भी अच्छी स्थिति में होगा। 12 अप्रैल के बाद राहु का राशि प्रवर्तन होगा, राहु पंचम भाव में संचरण करेंगे और ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थी वर्ग है उनको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है, अपने अध्ययन के क्षेत्र से दिग्भ्रमित होने से बचेगा, किसी भी प्रकार से भ्रमित होने से आपको बचना चाहिए और निरंतर अपने क्षेत्र में आपको प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। यदि आप धनु राशि के जातक हैं और विद्यार्थी वर्ग से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, तो विशेष रूप से सतर्क सावधान आपको रहना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्टडी पर आपको फोकस करने की आवश्यकता पड़ सकती है। नेगेटिविटी और नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो विशेष सचेत रहिएगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति के स्वामी शुक्रदेव आपके लिए बनते हैं। शुक्रदेव तृतीय भाव में स्थित है और आर्थिक स्थिति यानी 11वें भाव में लगभग 2 सप्ताह तक कोई भी ग्रह स्थित नहीं होगा, उसके पश्चात यहां पर केतु स्थित होगा। शुक्रदेव कुंभ राशि में विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति के साथ है और अंतिम सप्ताह में 27 तारीख को राशि प्रवर्तन कर सुख भाव में आएंगे, तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिगोचर से भी अति उत्तम स्थिति तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप शेयर मार्केट या मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सट्टा लोटरी इत्यादि का कार्य करते हैं, तो लाभदायक स्थिति भी आपके लिए अवश्य बनेगी, तो निश्चित ही आपको लाभ देखने को भी अवश्य मिलेगा। अपने आय से ज्यादा आपको व्यय पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शुक्र जैसे ही भौतिक शुक्र जो कि भौतिक सुख के स्वामी है, यह ग्रह जब चतुर्थ भाव में आएगा तो आपके लिए कहीं ना कहीं अत्यधिक व्यय का कारण बनेगा और ऐसी स्थिति में आपको व्यय करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा की, तो मित्रों चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं
अपने उच्च राशि में होते हैं अथवा शुभ भाव में होते हैं तो हमें सकारात्मकता देने का कार्य करते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन यही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ चले जाते हैं, 6, 8, 12 भाव में स्थित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नकारात्मकता देने का भी कार्य करते हैं। और इसीलिए एक माह के भीतर 6 से 8 दिवस हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे, हमें ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर हो या अपना कार्य क्षेत्र, कहीं ना कहीं कलह क्लेश का वातावरण जरूर देखने को मिलता है। तो कौन सी वो तिथियां होंगी वह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पूर्व बताएंगे शुभ तिथियां। तो तारीख 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 27 और 28 अप्रैल धनु राशि के जातकों के लिए अति उत्तम तिथियां होंगी। इन तिथियों में आप कहीं ना कहीं अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो वहीं 5, 6, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 27 और 28 अप्रैल को आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। यह अप्रैल का माह धनु राशि के जातकों के लिए अति उत्तम माह हो। इस अप्रैल के माह में आपको मान सम्मान तरक्की प्राप्त हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी धनुराशि के जातकों को चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। मां भगवती आपका व आपके परिवार का कल्याण करें।